Hey guys, welcome back. So in the last videos we have learned how to convert a binary number into octal number. We have also seen how to convert a binary into decimal or decimal into binary, octal or hexadecimal. So in this video we are going to see how to convert a binary number into hexadecimal. So let's take an example. We'll take the same example we used. So binary number 11110001101. सो ये एक बाइनरी नंबर है, इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो नंबर है उसको नहीं क्या चार के ग्रुप में डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के लिए हमें राइट टू लेफ्ट जाना है। तो इसका पहला ग्रुप बन जाएगा 1011, जो एक चार का ग्रुप है। फिर नेक्स्ट चार का ग्रुप रहेगा 0000 और फिर 1111। तो ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया। हमें क्या करना है कि इनकी जो वैल्यूज़ है उनको निकालनी है। तो अगर हम बाइनरी नंबर के वैल्यूज़ निकालते हैं तो हम ये फॉर्मेट में निकालते हैं 1, 2, 4 और 8, ऐसा मतलब ऐसे फॉर्मेट में निकालते हैं हम। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 2 है नहीं यहाँ पे, 4 और 8 है। तो 1 + 4 = 5, 5 + 8 = 13, और यहाँ पे सब 0 है, मतलब 1, 2, 4, 8 सबकी 0 ही जाएंगी, तो ये 0 हो जाएगा। और ये 1, 2, 4, 8, तो 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7 और 7 + 8 = 15, तो ये हो जाएगा 15। अब हमको मालूम है कि 15 और मतलब 9 के बाद वैल्यूज़ जो रहती है बाइनरी में, वो 9 के बाद अल्फ़ाबेटिकली में लेते हैं। मतलब 10 की वैल्यू हो जाएगी ए, और 11 की हो जाएगी बी, 12 की हो जाएगी सी, 13 की हो जाएगी डी, फिर इसी तरह 14 की हो जाएगी ई, और 15 की हो जाएगी एफ़। तो हम 15 को 15 नहीं लिखेंगे, एफ़ लिखेंगे, इसको 0 ऐसे लिखेंगे, और 13 का क्या था डी, तो इसको डी लिखेंगे। तो इस तरह से हम ये जो बाइनरी नंबर है, हमने इस बाइनरी नंबर को जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो उसका आंसर आया F0D। तो हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते। तो ये एग्जांपल थोड़ा बड़ा लेते हम। तो ये भी एक बाइनरी नंबर है, इसको भी हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना था कि चार चार के ग्रुप बनाने थे। तो 0101 ये ग्रुप बन गया, फिर 0101, तो 0101, सॉरी 0101, हाँ, फिर 01 और 01, और ये ऐसे ही ले लेना है। जब ऐसा कुछ रहा तो फिर इसको सिर्फ सिंपल ले लेना है और एक्स्ट्रा 2 0 लगा ले, क्योंकि 0 की वैल्यू वैसे भी 0 ही रहने वाली है। तो अभी हमें इसकी वैल्यूज ढूंढने की है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 4 और 8। तो 1 और 4 तो है नहीं, तो 2 और 8 क्या हो जाएंगे, 2 + 8 = 10 हो जाएंगे। सिमिलरली ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, क्योंकि 1, 2, 4 है, तो ये 2 हो जाएगा। तो 10 को हम कैसे लिखते हैं, ए लिखते। तो इसका ये हो जाएगा 2 ए ए और ए। तो इसी तरह से हमने ये बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। तो होप आपको दोनों एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि आप कैसे बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कैसे आप बाइनरी नंबर का एडिशन करते हैं। सो थैंक यू।